Hello everyone, this is Dr. Milan Sagar and this is a very small academic educational video for the patients who are suffering from osteoarthritis. Osteoarthritis को आप घुटने का घिसना या कूल्हे का घिसना या टखने के घिसने के नाम से जानते हैं बेसिकली, जोड़ जब घिस जाता है तो उसे osteoarthritis कहा जाता है। सो ये उम्र के साथ होने वाला घिसाव जिसे कहते हैं, जो सबको मतलब इवन मुझे किसी को भी मतलब जो एज के साथ आता है उसको osteoarthritis कहते हैं। आर्थराइटिस के बहुत तरीके होते हैं, जैसे गठिया भाव होती है, इसी तरीके से यूरिक एसिड की वजह से आर्थराइटिस होती है, ऐसे जन्मजात कुछ जेनेटिक डिजीजेज होती हैं उनमें आर्थराइटिस होती है। तो देर आर लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस। आज हम सिर्फ ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में एक मिनट के लिए बात करें। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वो बेसिकली जोड़ पे वजन देना या जॉइंट लोडिंग, अगर हम अंग्रेजी में बोलें तो जॉइंट लोडिंग बेसिकली एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। साथ साथ जॉइंट लोडिंग के जो रेंज ऑफ मूवमेंट है, हम जिस तरीके से अपने घुटने की चाल का इस्तेमाल करते हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस बढ़ता या कम होता है। ठीक है, जेनेटिक फैक्टर्स, जैसा कि कहा जाता है कि सर मेरे पापा को भी है, मेरी मम्मी को भी है, तो जेनेटिक फैक्टर्स के अंदर मेटाबॉलिक फैक्टर्स जैसा वजन होना और अपने पास ऐसा होना कि भाई मेरे मदर फादर को, तो जेनेटिक रीजन भी होते हैं जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के पीछे उनका पॉजिटिव फैक्टर माना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात अपन करेंगे कि अपन को जब पेशेंट आ रहा है तो हमें मालूम कैसे करेंगे सर मुझे ऑस्टियोआर्थराइटिस है। सबसे पहली चीज रहती है कि मरीज आपके पास आएगा, कहेगा सर इसके अंदर चाल में कमी है, एक वो कहेगा सर मेरे को दर्द होता है दो, और तीसरी चीज वो आपको कहेगा सर मेरा घुटना सूजा हुआ है या मेरा टखना सूजा हुआ है। तो ये मोटे मोटे तीन या चार चीजें हैं, इनमें सूजन, दर्द और चाल में कमी होना या मैं रोजमर्रा के काम नहीं कर पाता, ये सारी चीजें रहती हैं। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो इंडियन पेशेंट्स के अंदर एक घुटने में हल्का सा भांगापन, जिसे हम कहते हैं घुटने में वेरस डिफॉर्मिटी होना, ये थोड़ा सा हम कॉमनली देखते हैं, क्योंकि उकड़ू बैठना, पालथी मारना, नमाज पढ़ना, ये सारी चीजें एशियन कल्चर का एक पार्ट है। तो ये चीजें एक एग्रवेट करती हैं हमारे आर्थराइटिस को। तो वजन होना, मूवमेंट कैसी करते हैं, ये दोनों जैसे आप अपने पहले बताया वो मैं दोबारा रिपीट करें। अच्छा, तीसरी चीज, जब मरीज ने बताया कि ये सिम्टम आते हैं तो हम उसको इवैल्यूएट कैसे करें। तो चार सवाल जो सबसे पहले आपसे डॉक्टर पूछेगा ये जानने के लिए कि आपकी आर्थराइटिस लास्ट स्टेज में तो नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं कि सर आपको रात को सोते हुए करवट लेते हैं तो कभी नींद तो नहीं खुलती दर्द से। दूसरी चीज वो पूछेंगे सर लेटन पेशाब जाने में, अपना डेली हाइजीन का काम करने में आप असक्षम तो नहीं। तीसरी चीज, क्या सर आप घर से बाहर जाकर के दूध सब्जी लेकर के आ सकते हैं। तो ये बेसिक सवाल है जिनसे हमें ये पता लगता है कि भाई पेशेंट की डिसेबिलिटी कि किस लिमिट तक या किस चरम सीमा पर है या नहीं है। चौथा सवाल रहता है कि सर आप पेन को रेट कैसे करेंगे। पेन को रेट कैसे करेंगे, पेन इज अ सब्जेक्टिव फीलिंग, जैसे कि भाई 10 में से आप कितने नंबर दें और दिन में कितने समय ये दर्द रहता है, क्या आपको इस दर्द के लिए रोज गोली खानी पड़ती है, हफ्ते में कितनी बार खानी पड़ती है, ये मोटे मोटे से सवाल रहते हैं जिनसे हमें पता लगता है कि आर्थराइटिस किस दिन का। अब आपका डॉक्टर आपको कह सकता है कि सर एक एक्सरे हम निकालेंगे जिससे हमें पता लगेगा जोड़ में कितना गैप है। अब गैप क्या है, बेसिकली वो कार्टिलेज की एक परत है जो इसमें चूना नहीं होता, तो आपको वो दोनों हड्डी के बीच में काले रंग की लाइन की तरह नजर आता है। जैसे जैसे वो काले रंग की लाइन कम होती चली जाएगी यानी गैप कम होता जाएगा, वैसे वैसे आर्थराइटिस आती रहेगी। ये बस बड़ी मिसकंसेप्शन है, पेशेंट्स कई बार आते हैं कहते हैं सर हमें किसी ने बताया हमारे घुटने में गैप आ गया है। नहीं सर, घुटने में गैप हमेशा होता है, घुटने का गैप चले जाने को ऑस्टियोआर्थराइटिस कहा। तीसरी एक और मैं बात जरूर करना चाहूंगा इस बारे में, एक घुटने के अंदर तीन हड्डी होती है, सातल की हड्डी, टांग की हड्डी और एक पाली की हड्डी। तो सातल और टांग की हड्डी का एक जोड़ होता है और सातल और पाली की हड्डी का एक जोड़ होता है। तो ये दोनों जोड़ जो है ये अलग अलग जोड़ होते हैं, कुछ मरीजों के अंदर ये दोनों जोड़ इन्वॉल्व होते हैं, कुछ लोगों के अंदर ये एक जोड़ कई बार इन्वॉल्व होता है। तो इसको भी जानने के लिए हमारे पास एक्सरे की बहुत जरूरत है। तो अगर आपका डॉक्टर आपके एक्सरे करवा रहा है तो वो चाहता है कि वो पता लगे उसे कि भाई कौन से जोड़ में आर्थराइटिस है और कितनी ग्रेड की आर्थराइटिस। अब मोटा मोटा सा बात करते हैं सर इसका इलाज क्या है। इलाज सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अपना वजन कम रखें, एक्टिविटी लेवल अपना इतना रखें कि शरीर परेशान ना हो और आप रोज कुछ पसीना निकाल पाए। कहा जाता है कि 5 दिन हफ्ते में एटलीस्ट 20-30 मिनट की एक यूजुअल एक्सरसाइज हफ्ते में जरूर होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ डाइटरी मॉडिफिकेशन ऐसे ही रखें कि एटलीस्ट आपका वेट बढ़े नहीं, कॉन्स्टेंट रहे या कम हो। ठीक है, फाइबर का डाइट का इम्प्रूवमेंट, पानी का आप ज्यादा लें और अपना मल्टीग्रेन ब्रेड्स या मल्टीग्रेन आटा का इस्तेमाल करें। रोटी जितनी खाते हैं उससे थोड़ी सी कोशिश करें कि सब्जी ज्यादा लें, सलाद ज्यादा लें, एक फ्रूट का सैलेड का बोल जरूर खाएं। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ ले जा सकते हैं। थैंक यू।